शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही व अज़वाजिही व औलादिही व औलियाए उम्मतिही व बारिक वसल्लम। जी बड़ी खुशाइंद और बड़ी खुशखबरी की नौइयत की ये ख़बर मुझ तक पहुँची है कि किबला अमीर वजाहत शाह साहब ताजी दामत बरकातहुमुल आलिया वालदैन की इज़्ज़त के हवाले से और उनके अदब व एहतराम के हवाले से कानून साजी के लिए कोशिश फरमा रहे हैं। बहुत खुशाइंद इकदाम है। बुनियादी तौर पे इस्लाम का सारा ही स्ट्रक्चर जो है वो अदब पर खड़ा है। इस्लाम में से अगर अदब निकाल दिया जाए तो इस्लाम के पास कुछ भी बाकी नहीं रहता। इस्लाम को जारी करने का खुदा वंदे करीम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से एक ही मकसद था और वो मकसद ये है कि पूरी दुनिया से जहालत का खात्मा किया जाए, वहशत का खात्मा किया जाए, दहशत का खात्मा किया जाए और हर किस्म का तशद्दुद का खात्मा किया जाए। आप देखें कि अरब के मुआशरे में सबसे पहले इन चीज़ों का खात्मा किया गया। दीनी और ला दीनी नज़रियात बहुत बाद की बात है, बहुत बाद की बहसें हैं, लेकिन सबसे पहले मुआशरा सिखाई गई और हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशन है उसमें सबसे पहले फैमिली आती है। फैमिली में वालदैन आते हैं जो हमारी सबसे बड़ी दरसगाह और तरबियतगाह है। अगर हमारे मुआशरे में से इन्हीं की इज़्ज़त ख़त्म हो जाए तो हमारी सोसाइटी खुदा ना खास्ता कोलैप्स कर जाएगी। और इसलिए मैं बज़्मे ताजिया और इसके तमाम अराकीन, इनके मुरीदैन, खुलफाए कराम और इनके सरपरस्त शुजात साहब दामत बरकातहुमुल आलिया और वजाहत शाह साहब ताजी जीदा मजदूहू, इन सब की काविशों को सराहता हूँ और हर किस्म की सपोर्ट का ऐलान करता हूँ, हिमायत और ताईद का ऐलान करता हूँ, ना सिर्फ अपनी तरफ से बल्कि अपने सिलसिला आलिया की तरफ से कि हम तमाम आपके साथ खड़े हैं। और मुआशरती बुराइयाँ जितने सोशल जीवल हैं इसमें जिस जिस तरीके का आप काम सर अंजाम दे रहे हैं हमारी गैर मशरूत सपोर्ट आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको दारैन की खैर अता फ़रमाए, बरकतें अता फ़रमाए और अल्लाह ताला की बारगाह में शुक्रिया अदा करते हैं जो अल्लाह ताला ने हमें औलिया अल्लाह के ज़रिए से हम पर जो दस्तगीरियाँ नाजिल फरमाई हैं हम उनका भी शुक्र बजा लाते हैं। और शुक्र का सबसे अहसन तरीका ये है कि ऐसे अवामिल जो किबला वजाहत शाह साहब ने शुरू किए हैं हम उनका हिस्सा बने। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की खैर अता फरमाए व मा तौफीकी इल्ला बिल्ला। आखिर में मैं हुकूमत पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि जैसे उन्होंने बज़्म ताजी हमजदिया की काविशों को सराहते हुए ये कानून वालदैन के प्रोटेक्शन के हवाले से कानून साजी की है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी अब अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा दें और इसको जल्द अज जल्द अमल दरामद इसका करवाएँ ताकि वो हमारे बुज़ुर्ग जो मुख्तलिफ इदारों में अपनी पनागाहें ढूंढते फिर रहे हैं वो अपनी फैमिली का हिस्सा बने और अपने बच्चों में आकर बैठें। और बिला सुबह अगर ये अमलदारी हो जाती है तो इससे ना सिर्फ दुनिया और आखरत हमारे साहिब इक्तदार की बेहतर होगी बल्कि इसके साथ मुआशरे को बहुत बेपना फ़ायदा होगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं अल्लाह ताला की बारगाह से उम्मीद रखता हूँ कि इसके जल्द अज जल्द अमल दरामद होगा और बिला शुबा इसका सेहरा हमारे भाई, हमारे अजीज़, हमारे मोहसिन, हमारे मेहरबान, हमारे मुरब्बी जनाब वजाहत शाह साहब ताजी जीदा मजदूहू के सर होगा क्योंकि वो एक तवील अरसे से इस कोशिश में लगे हुए हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब वो दिन दूर नहीं है जब कामयाबी उनके कदम चूमेगी। देखने का शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलिए। शुक्रिया।